Very warm good evening, my lovely kids. Can we put the door? Very, very warm good evening, my lovely kids. Kaise hai aap log sab? Today we have a lot of surprise for you, and therefore, sorry it took us a delay, but you have a very big surprise, and ye early bird offer hone wala hai. Ye sirf usi student ko milne wala hai. जो भी बच्चा जल्दी आएगा, सो यू हैव टू कम ऑन टाइम फॉर एवरी क्लास, एंड दिस गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बिग सरप्राइज राइट इन द बिगनिंग ऑफ एवरी सेशन. दैट इज वी आर गोइंग टू डू अ रीकैप मेंटी इन एवरी सेशन, राइट? हर एक सेशन को हम पिछली क्लास के रीकैप मेंटी से स्टार्ट करने वाले हैं. हाउ इज द आइडिया? हाउ इज द जोश? चलिए शुरू करते. टुडे इज लेक्चर नंबर 4 ऑन द सेल. आज मैं आपको कराऊंगी गॉल्जी, गॉल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, वाओ, एंड स्पेशल रीकैप मेंटी के प्राइज विनर को भी कुछ मिलेगा. होमवर्क क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया जाएगा, नीट वॉरियर्स को चुना जाएगा होमवर्क क्वेश्चन पे, एंड वी आर गोइंग टू हैव अ सुपर डुपर कूल रीकैप मेंटी. चलिए क्लास को शुरू करते हैं. माय नेम इज डॉक्टर वानी, आई एम कमिंग टू द रीकैप मेंटी. आई एम द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी एट वेदांत. आई हैव बीन अवार्डेड द बेस्ट टीचर अवार्ड नेशनल टीचर्स कॉन्क्लेव इन 2017-18-19. आई कम विद ओवर 10 प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. यस, दिस इज माय 10th स्ट्रेट ईयर टीचिंग. Lakhs of students guided, mentored, loved across the country. 1,000 plus NEET selections, right everybody? And received so much love back. If you want to see how it is to receive, you know, love back from the entire country, you must check out aaj ka mera Instagram ka post. It is super amazing. एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी मेरे बच्चों, स्लो प्रोग्रेस इज बेटर देन नो प्रोग्रेस. तो अगर आपको लग रहा है मैम हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, मैम मेरे मार्क्स तो बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहे, स्लो प्रोग्रेस इज बेटर देन नो प्रोग्रेस. समथिंग इज बेटर देन डूइंग नथिंग. यू आर ग्रोइंग, यू आर लर्निंग, यू आर इम्प्रूविंग, यू आर प्रोग्रेसिंग, एंड आई थिंक दैट इटसेल्फ मीन्स अ लॉट. यस एवरीबॉडी, स्लो प्रोग्रेस. मैं होमवर्क क्वेश्चन पे आ रही हूँ. आई एम कमिंग टू द होमवर्क क्वेश्चन. पहले आपको बता दूं कि रोज आपकी क्लास होगी, एवरी डे. मैं आपको एक भी दिन की छुट्टी नहीं देने वाली हूं, आपकी रोज क्लासेस होंगी. परसों तो आपका टेस्ट भी होगा, 11th की क्लास नीट 2023 की, शार्प एट 5 PM एवरी डे, एवरी डे. और 9 PM को होगी 12th की क्लास नीट 2021 का. कल NTA का टेस्ट है, राइट हो? And guys, BTS 15, just like a king has a queen, chemistry has benzene, biotonic has BTS 15. इसके बारे में मैं एक बहुत स्पेशल क्लास लूंगी. आपको रजिस्टर करना पड़ेगा स्कॉलरशिप के लिए, रजिस्टर करना पड़ेगा मानी मैम कि वो बहुत स्पेशल क्लासेस के लिए. विदाउट रजिस्ट्रेशन आप लोग, यू नो, यू विल नॉट रियली बी एबल टू बिकम अ पार्ट ऑफ BTS 15. सो ऑल ऑफ दैट हैज टू हैपन. आई विल टेल यू हाउ डू वी डू दैट. एंड मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का क्लास आज है. कल सुबह लूंगी मैं NTA की क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट. आई विल ऑल्सो टेल यू वॉट इज द बेस्ट वे टू रिवाइज फिजिक्स फॉर नीट, स्पेशली नीट 2021 के लिए, राइट? बेस्ट वे टू रिवाइज फिजिक्स, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कल. और कल हम करेंगे DNA रेप्लिकेशन, और हम चूज करेंगे BTS 15. चलिए तो सबसे पहले आ जाइए रिकॉल क्विज के लिए. प्लीज गो टू menti.com. हर एक क्लास हम एक क्विज और होमवर्क डिस्कशन से शुरू करेंगे. चलिए प्लीज गो टू menti.com, कोड डालिए 9567325. देखते मेरे बच्चे ने कितना रिवाइज करके आए हैं. रिवाइज करके आना ही पड़ेगा. प्लीज गो टू menti.com एवरीबडी, 9567325. चलिए ज्वाइन ज्वाइन ज्वाइन. तीन क्वेश्चंस, चार क्वेश्चंस मैं रिविजन के कराऊंगी. प्यारा बोर्ड यार, अभी तक कुछ नहीं पता, मेरा बोर्ड ही ठीक नहीं कर रहे हैं, राइट? परसों मैं आपके पूरे के पूरे इस टॉपिक का टेस्ट लेने वाली हूं. ये मैं पहले ही अनाउंस कर दिया करूंगी क्लास के नीचे. ओके जीवी सचिन, वी विल टॉक इन इंग्लिश. 9567325, प्लीज ओपन menti.com. 9567325 एवरीबडी क्विकली. वी विल ऑलवेज डू अ टेस्ट, a recap test, so that I know how my students are doing. It is very important for me to know how my students are doing. Yes? Very, very important for me to know how my students are doing.
Starting in 5, 4, 3, 2, 1, question number 1. Which of the following is not found in a prokaryotic cell? Not found. Not found. Nuclear envelope, because nucleus in yoga. Well done, well done, well done. Question number 2. Algae have cell wall made up of cellulose, galactins, mannans, hemicellulose, pectin, proteins, pectin, cellulose, protein. Cell wall, cellulose, hemicellulose. बता दो बता दो बता दो बता दो बता दो जल्दी बता दो चलो पेक्टिन्स बताइए सेलुलोज गैलेक्टिन्स मैनन्स प्रोटीन कहां से आ गया यस प्रोटीन्स कहां से आ गया थर्ड बताइए अ प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटोप्लास्ट विदाउट न्यूक्लियस अंडरगोइंग डिविजन विदाउट सेल वॉल एंड वेरी इंपॉर्टेंट गाइस वेरी इंपॉर्टेंट रोज आपका पुराना पार्ट का रिविजन होगा You will revise the old thing. Only then we are going to move on to the next thing. Yes! Without cell wall. Protoplast ek aisa cell hai jisme cell wall nahi hai. Leaderboard dikha de. Chalo. CA Jal, well done. Anu, very well done. Yuvraj Kanish, Sakshi, Suraj, Sayan, Vani ma'am's favorite, Fatima, Krish, Anju. Yes, everybody. Perfect. चलिए आइए लेट्स नाउ मूव अहेड ये हमने कर लिया अभी आज की क्लास को शुरू करते हैं मेरे बच्चों और जैसे ही आज की क्लास को शुरू करते हैं जैसे ही हमारा हर एक सेशन होगा अच्छा पिछली बार का हॉलिडे क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था वो भी देखते हैं चलिए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको हर एक क्लास में मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी हर एक क्लास में आपको उसका जवाब देना है नेक्स्ट क्लास में आई विल नेम द चाइल्ड जिसने बहुत अच्छा जवाब दिया है ओके तो आ जाइए पुराने लेक्चर पे एनसीईआरटी फिल इन द ब्लैंक्स मैंने आपको कराया था और आपको ये तो हमने डिस्कस कर लिया था टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट इसके बाद कोई और भी था क्या ये तो हमने डिस्कस कर लिया था तो अभी बाकी बचा हुआ आंसर बाद में डिस्कस कर लेंगे पहले आज की क्लास कर ले यस चलो चले आगे कैन आई रीड योर कॉमेंट्स आपको कुछ लग रहा है अभी आज की क्लास को शुरू करते हैं ठीक है एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड ओ लिवर वाला कौन सी क्लास में था वो अच्छा 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 याद आ गया उसके बाद तो मैंने आपका टेस्ट लिया था वो भी डिस्कस कर लेते हैं आइए 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 मेरे बच्चों तो वीडियोस में ही होगा फुल टेस्ट लिया था मैंने आपका हाँ ये रहा मेरे बच्चों को सब याद है एकदम मतलब इंटेलिजेंट बच्चे हैं मेरे एकदम सुपर अमेजिंग द असाइनमेंट आंसर इज एज फॉलोज लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड व्हिच डिटॉक्सिफाइज मेटाबोलाइट्स लिवर ब्लड सप्लाई हेपेटिक आर्टरी 25% ऑफ द लिवर वन ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड इज यूज्ड बाय द स्प्लीन स्टमक एंड इंटेस्टाइन पोर्टल वीन आपके 75% एंड द फंक्शनल यूनिट इज हेपेटिक लोब्यूल्स एंड नॉन फंक्शनल डब्ल्यूबीसीज आर इन द लिवर मैंने मेरे को कूफर सेल्स आंसर भी चाहिए तो क्या आपने कूफर सेल लिखा है परफेक्ट यस लेट अस सी फंक्शनल यूनिट ये आंसर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है शाम भी वेल डन फंक्शनल यूनिट छोटा सा लिखा है टू सोर्सेज फर्स्ट इज हेपेटिक आर्टरी व्हिच डिलीवर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड
and hepatic portal vein. Excellent. I will go with Shambhavi's answer today. Well done. Functional unit of the liver, aapka liver lobulate, WBC of the liver Kupffer cells hai. And Shambhavi, get in touch with me on Telegram. I promise to call you between 6 p.m. and 9 p.m. today. Done. Today's homework I will give you towards the end of the class. Shambhavi, beta, agar aap lecture dekh rahe ho, give me a message between 6 p.m. and 9 p.m. I will give you a call. Aap bas mujhe Telegram pe message kar dijiye. Anyhow, you reach out to me. Let's you reach out to me like this. Apne quizzes se, Shambhavi Verma, this is me. Perfect to Shambhavi. Message me your number on Telegram. I will get in touch with you. And isi baat pe bachcho, mere pyare bachcho, make sure that you are liking taki mujhe pata chale aapko aaj ka lecture kaisa lag raha hai. Share. Should I do the homework part and should I do the beginning mein mentee quiz? बिगनिंग का मेंटी क्विज चाहिए ना, ताकि हमारा रीकैप हो जाए. हमें रीकैप क्विज और होमवर्क करना है. इज दैट क्लियर? यस मैम. सो मेक श्योर दैट यू आर लाइकिंग, मेक श्योर दैट यू आर शेयरिंग एंड मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग. एंड शांभवी, डेफिनेटली आई विल टॉक टू यू टुडे. राइट प्रसन्ना, आप भी होमवर्क क्वेश्चन में अच्छा कीजिए. आई विल कॉल यू ऑल्सो. आ जाइए सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पे. तो आज यस, सबसे पहले देखो मैंने आपको क्या क्या कराया था. सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में रीकैप कीजिए, और इसीलिए इस टॉपिक का टेस्ट भी होगा. मैंने आपको सेल थियरी कराई थी, याद है? मी You remember cell theory? We've done it in detail. Sheldon Schwann complete cell theory. Then I discussed the prokaryotic. Then I discussed plasma membrane, जहाँ मैंने आपको Singer Nicholson की theory कराई थी. Last class I did cell wall in detail. मैंने आपको primary, secondary cell wall कराई, and I also did endoplasmic reticulum, जिसमें मैंने आपको smooth endoplasmic reticulum और rough endoplasmic reticulum कराया. We have finished the chapter off till here. जितने बच्चों को doubt है, please go and see the recordings. सारी रिकॉर्डिंग्स आपके पास अवेलेबल है. हार्ट्स कौन बनाएगा? वी've डन सेल थियरी, इसीलिए इसका फुल टॉपिक का टेस्ट आएगा वेडनेसडे को. वेडनेसडे 5 पीएम मैं फुल टॉपिक टेस्ट लूंगी. कल मैं आपको आज मैं गॉल्जी लाइसोसोम वैक्यूल कराऊंगी. टुमारो आई विल डू माइटोकॉन्ड्रियन प्लास्टिड, एंड वेडनेसडे देयर विल बी अ टेस्ट. इसलिए आपको दिख रहा होगा कैसे बहुत रेगुलर तरीके से पढ़ाई चल रही है. बहुत रेगुलर तरीके से पढ़ाई आपकी चल रही है. डन. चलिए अब आ जाते हैं आपके क्लास के बाद आपका मेंटी होगा. क्विक रिकॉल हमने कर लिया है, एक रिकॉल. अब हमारा गॉल्जी अपैरेटस से आज की क्लास शुरू हो रही है. कैमिलो गॉल्जी एक साइंटिस्ट थे, 19th सेंचुरी में थे. अच्छा, रिकैप करके मुझे कमेंट सेक्शन में याद दिलाओ. मैंने आपको दो पिछली बार paths of Golgi apparatus बताए थे. There are two paths of the Golgi apparatus. One is called the cis phase, the other is called the trans phase. One of them is called the cis phase, the other is called the trans phase. The cis is the forming phase. It is a phase which is on one side where you are forming. You are forming. It is receiving. Right? It is receiving all the material. फिर जब ये pass होगा, मैंने आपको vesicle भी बताया था, the vesicles. Right? Then I told you about these structures. Then as it moves down, as it passes, on the other side you have the trans phase. So you do have the cis phase and you do have the trans phase. Make a yo on Vani ma'am's chat section, please, if you understood this. There is Camillo Golgi. He was a 19th century. He first observed Golgi apparatus. The Golgi apparatus consists of flattened membranous sacs called cisternae. So in sacs ko kya kehte hain? Right? अमृतसर क्या बोलते हैं वो? आपको लास्ट ईयर अमृतसर कैसे पढ़ाते थे वो उसको क्या बोलते हैं? ऐसा कुछ ही, मेक समथिंग लाइक दिस ना, मैक्वा, माकुओ. राइट? तो ये मैक्वा की बाजू की तरह है. व्हाट इज दिस फ्लैटेंड? यस, ये मैक्वा के पेट की तरह है. व्हाट इज दिस फ्लैटेंड थिंग? दे आर रेफर टू एज द सिस्टरने. दे आर रेफर टू एज द सिस्टरने. मार्क्वा. हाँ, मार्क्वा. तो ये मार्क्वा के एब्स की तरह है. Right? And what is this? This is the vesicles. When they enter, it is called cis. And this is called trans. So every place, when you enter, it is the cis. Then it gets modified here. And then when it leaves, it is called the trans. So in the cisternate, it is getting modified. From where is it coming? Markwa ko kahan se saman mil raha hai? Parkwa se. Ab Vani ma'am ne ek aur cheez identify kar diya. Markwa ki एक ब्रदर है मार्कुआ का, पार्कुआ. राइट? इट इज रिसीविंग फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो माय डियर चिल्ड्रन, व्हेन इट रिसीव्स फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लीज अभी इसका ना हसलर और वेदांत के ओपी में वीडियो मत बना देना. तो जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है. राइट? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है. इट इज जस्ट लाइक योर पेरेंट्स गेट यू अ
क्लॉथ फ्रॉम द मार्केट, राइट? योर पेरेंट्स गो टू द मार्केट एंड वो कहते हैं चलो बेटा शादी पे जाना है, किसी के घर जाना है, कपड़े ले आते हैं, आप कपड़े पहन लो. तो आप ये कपड़े ले आते हैं आपके लिए, मॉम डैड लाते हैं. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन है आपकी? मॉम. ओल्ड फैशन है. क्या है ये? ओल्ड फैशन. आई डोंट नो अबाउट योर मदर, राइट? ये थोड़ी सी ओल्ड फैशन है, ठीक है? तो और ये कपड़े, तो अब ये प्रोटीन क्या है? ये आपका क्लॉथ है. अब इस प्रोटीन, इस क्लॉथ को आप क्या करोगे? यू विल ऑल अंडरगो एंड मॉडिफाई दिस, राइट? आप मॉडिफाई करोगे. तो मॉडिफाई कैसे करोगे आप इसको? आप इसको कैसे बना दोगे? क्योंकि मामी ऐसे कपड़े नहीं चलते हैं अभी, ऐसे चाहिए मुझे, यो कपड़े चाहिए. इज दैट क्लियर, निकुल? सो दिस मॉडिफिकेशन इट इज अकरिंग इन योर होम विद अ सीजर, विद अ नाइफ. इसका स्लीव्स हटाओ, ये क्या कपड़े दिए मम, बोरिंग. सो हियर द इट इज अकरिंग इन द गॉल्जी अपैरेटस. यू विल ग्लाइकोसाइलेट. हो सकता है उस प्रोटीन में कोई ग्लाइकोस मॉलिक्यूल डालना है. यू माइट ग्लाइकोसाइलेट इट, राइट? यू माइट चेंज इट. मेरे घर में तो उल्टा होता था. माय पेरेंट्स और वेरी मॉडर्न बोलते थे, थोड़े ऐसे मॉडर्न कपड़े पहनो. मैं थोड़े बहनजी टाइप के कपड़े पहनती थी, राइट? सो यू माइट नीड टू ग्लाइकोसाइलेट, यू माइट नीड टू चेंज इट. दिस मॉडिफिकेशन अकर्स इन द गॉल्जी अपैरेटस. इट एंटर्स द गॉल्जी अपैरेटस फ्रॉम द सिस फेस. इट गेट्स मॉडिफाइड इन टू द गॉल्जी अपैरेटस इन द सिस्टर्ने एंड इट एग्जिट्स द गॉल्जी अपैरेटस फ्रॉम द ट्रांस. Is that clear? So this is what you really need to remember. You really need to remember this. So that is about the Golgi apparatus. I want everybody to send me a like, send me a big heart like this, so that I know that you're all able to understand it. Right? So these cisternae are flattened stacks. It's an MCQ question. They are interconnected with one another. They form the Golgi apparatus. The cis phase is the one which receives. The trans phase is the one which is going to pass it down. और पास इट अहेड. अ गोल्जी बॉडी के पास दो रीजन होते हैं. इसका सिस फेज जो है उसको रिसीविंग फेज कहते हैं. ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होता है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डायरेक्टली जो मटेरियल है वो सिस फेज में जा रहा है. सिस फेज के बाद वो मॉडिफाई होगा. सो लेट मी राइट नंबर वन हियर, दिस इज द सिस फेज. उसके बाद इस बीच के पार्ट में ये मॉडिफाई होगा और फाइनली ये ट्रांस फेज में चला जाएगा. इट विल एंटर द ट्रांस फेज ऑल्सो. सो यू डू हैव द सिस फेज विच इज टू रिसीव, टू मॉडिफाई एंड फाइनली फ्रॉम द वन वेयर इट इज गोइंग टू मूव अहेड, इट इज गोइंग टू गेट डिस्चार्ज. इट इज रेफर टू एज द ट्रांस फेज, वेयर दे आर डिस्चार्ज इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीटरी वेसाइकल्स. इज दैट क्लियर? इट इज गोइंग टू गेट डिस्चार्ज. इट रिसीव्स वेसाइकल्स फ्रॉम ER. On the cis phase, it will modify the proteins and lipids. This itself line has come at least 10 times. Please remember this. You are Vani ma'am student. You know my aim is to teach every single child in such a way that every child can aim to become a doctor. Doesn't matter whether their parents have money in their pockets or not. They should be able to Are you getting my point, everybody? पढ़ना चाहिए यार, बच्चा पढ़े, बच्चा आगे बढ़े, बच्चा खूब आगे जाए. That is the aim. That is the aim. That is the aim. That is why we are there. Yes, everybody. So modify करना है. यहां पर मैंने बोला glycosylate. मैं जो words आपको बता रही हूं वो words आपके exam में आएंगे. They will come in your exam. Are you understanding? समझ आ रहे मेरे चुन्नू मुन्नूस को या नहीं आ रहे? बता दो वाणी मैम को. आ रहे ना? ग्लाइकोसाइलेट, राइट? बेटा यार मेरा तो जिंदगी ना एक काम में लगना चाहिए. आई वॉन्ट टू डू समथिंग मैजिकल विद माई लाइफ एंड दैट समथिंग मैजिकल इज टू ट्रांसफॉर्म हाउ इंडियन बॉयज एंड गर्ल्स, इंडियन यंग चिल्ड्रन स्टडी. यस, तो ये बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट. अगर कोई बच्चा सिर्फ बोर्ड्स के लिए पढ़ रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. गॉल्जी अपैरेटस इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स. इसको हार्ट बना लो बच्चों. इट विल सॉर्ट. देखेगा बेटा. अच्छा, कितने बच्चे अभी ये बर्थडे का एग्जाम्पल ले रहे हैं या कहीं आपको जाना है, कितनी बार ऐसा होता है? एक बार पता है मेरे बर्थडे में क्या हुआ? सुनो प्लीज, इसको ना प्लीज हसलर वसलर ग्रुप में मत डाल देना, ठीक है? एक बार आपको पता है मेरे बर्थडे में क्या हुआ? बताओ. यस, बता दो. इतना बड़ा एक गिफ्ट आया ग्लाइकोसाइल. और इस गिफ्ट के अंदर पता क्या था आपको? पता है एक
एक ऐसा सा एक स्टफ होता था, उसको कैंपर कहते थे, उसमें यहाँ पे एक लगा होता था फॉर वाटर, किचन में काम आता था। पता है आपको यार, एक बच्चे को आप ये दोगे? अंकल आंटी वगैरह सब मिलकर, पूरे कॉलोनी वाले आए, कॉलोनी वालों ने कंट्रीब्यूट किया। यार कोई मुझे टॉय दे देते, कोई गिफ्ट दे देते, कंट्रीब्यूट करके एक बहुत बड़ा सा गिफ्ट दिया, कि पार्टी देने में मॉम डैड का बहुत खर्चा होता है, तो गिफ्ट में वो वाटर कैंपर दे दिया। कैन यू इमेजिन? अब मैं क्या करूं उसका, इसको देख के मैं हैप्पी हो जाऊं? यार मेरा बर्थडे है, मुझे कुछ गिफ्ट दे देते, राइट? तो दैट इज द मीनिंग ऑफ पैकेजिंग। यू नीड टू सॉर्ट, यार ये काम का है, ये नहीं काम का है, सॉर्ट। और कितनी बार, वाई डिड आई टेक दिस गिफ्ट का एग्जाम्पल? मैंने गिफ्ट का एग्जाम्पल इसलिए यहाँ पर लिया क्योंकि कितनी बार आपने देखा है, आपके साथ बर्थडेज पे हुआ होगा, कभी और हुआ होगा, इतना बड़ा पैकिंग और अंदर से एक छोटा पैकिंग और निकलेगा एक पेन, 100 रुपीज वाला, और वो 100 रुपीज के पेन के ऊपर ऐसे ऐसे किया होगा जैसे तो 1 लाख रुपीज का था, राइट? 100 रुपए होता है ना। सो यू नीड टू सॉर्ट विच इज द यूजफुल गिफ्ट एंड विच इज द एब्सोल्यूटली वेस्ट गिफ्ट। सो दैट इज रेफर टू एज सॉर्टिंग। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिनन। यू पैकेज इट इनटू ट्रांसपोर्ट रिसाइकल्स विद इन द सेल, यू विल एक्सपोर्ट इट। नाउ समटाइम्स व्हाट विल हैपन माय डियर चिल्ड्रन, दिस मार्कवा, राइट, ये जो मार्कवा होता है, इट नीड्स टू स्पिट आउट। सो समटाइम्स वॉट एवर प्रोटीन, वॉट एवर मटीरियल, यू नीड टू सेंड इट आउट। सो वेन यू थ्रो इट आउट ऑफ द सेल, इट इज कॉल्ड एज एग्जोसाइटोसिस। शाम्भवी, यू कैन गेट इन टच विद मी ऑन कंपैशन एंड ग्रेटिट्यूड, ओके? इट इज रेफर टू एज एग्जोसाइटोसिस वेन यू गोना बी थ्रोइंग इट आउट, दैट इज एग्जोसाइटोसिस, राइट? यू गोना बी डिस्चार्जिंग देम आउटसाइड, दैट्स कॉल्ड एज एग्जोसाइटोसिस। नाउ सम ऑफ यू आर आस्किंग व्हाट इज द बेटा, प्रोटीन के ऊपर अगर आप ग्लाइकोजन लगा दोगे, लिपिड्स के ऊपर अगर आप ग्लाइकोजन लगा दोगे तो उसको ग्लाइकोसाइलेशन कहेंगे। प्रोटीन्स और लिपिड्स के ऊपर अगर आप ग्लाइकोजन लगा दोगे तो उसको ग्लाइकोसाइलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्लाइकोसाइलेशन। एंड बेटा एक बहुत बड़ी न्यूज बताने वाली हूँ मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन, टिके रहना। होमवर्क का क्वेश्चन भी आ रहा है, मेंटी भी आ रहा है, और एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है। वेरी बिग न्यूज इज कमिंग फॉर ऑल ऑफ यू टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन, जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा। डन, यू बी लाइक वाओ मैम फील आ गई। कैमिलोगोल्जी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर। रेटिकुलर होता है जाली नुमा मेश वर्क, ऐसा 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 जाली टाइप, इस टाइप का, right? So the first scientist was Camillo Golgi. The year was 1898. They consist of flat disc shaped sacs or cisterne, jo aapko pata hai flat markva ki tarah abs flat honge. They are parallel to each other and iske paas ek cis phase hoga jahan pe ye receive karega aur ek trans phase hoga jahan se ye transfer karega. It has the cis or the forming phase, right, and the trans phase. What is markva? Markva, we've just given name to this person, right? So this very very slim person, we've called him Markova. Is that clear, everybody? Right, so very big news is coming right after this topic, diversity ke bare mein, biomolecules ke bare mein. I will tell you, please don't worry, right? Shambhavi, you can message me on Instagram. Yes, you can message me on Instagram. If you ever want to reach out to me, guys, you're in a dire situation, you want to reach out to me, you can definitely do that on Instagram. Every day, I will call one person whose answer is the most important answer. Today's question, I will give you in 10 minutes towards the end of the session. I will also give you a very, very important news on the basis of which I will decide something. I will let you know. राइट, तो आपके पास एक सिस फेज, एक ट्रांस फेज है। सिस एंड ट्रांस फेज आर द ऑर्गेनेली आर एंटायर डिफरेंट। सिस जो होता है वो आपका रिसीव करता है, ट्रांस तो वर्ड से ही पता चल गया, ये आपका ट्रांसफर करता है। मैंने आपको शुरू में भी बोला था, ये मटेरियल को पैकेज करेगा, पैकेज करके मटेरियल को सिक्रीट करेगा, जिसको जहां पर किसी स्पेसिफिक जगह में जाना होता है, तो वो इसका इंपॉर्टेंट काम होता है। क्या आपको दिखाई दे रहा है? राइट एवरीबडी, कैन यू ऑल सी दैट एवरीबडी? चलिए तो इसी साथ आगे बढ़ते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस के साथ फ्यूज हो जाता है, गोल्जी अपैरेटस मॉडिफाई करता है, राइट एवरीबडी, ट्रांस से फिर वो ट्रांसफर कर देता है। गोल्जी अपैरेटस इज इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ, ये देखिए ग्लाइकोसाइलेशन, मैंने बोला था एमसीक्यू का फेवरेट वर्ड है, राइट?
आइए लेट्स मूव टू लाइसोसोम्स. बेटा अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कुछ प्रोटीन्स बनाए, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, इसमें से बहुत एमसीक्यूज आते हैं, प्लीज ध्यान से सुनिए. अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कुछ प्रोटीन्स बनाए, जो भी प्रोटीन्स या जो भी बनाए, आप इनको मॉडिफाई करके बहुत स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स बना लेते हो. तो आप इनको मॉडिफाई करके बहुत स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स बना रहे हो, और ये एंजाइम्स जो है इनको मॉडिफाई कौन करेगा पहले बता दो मानी मैम को. इनको मॉडिफाई करने वाला कहलाएगा गॉल्जी अपैरेटस. कौन कहलाएगा? गॉल्जी अपैरेटस. और वो बहुत स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स बनेंगे आपकी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स. और जो ये स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स होंगी, ये बहुत डिस्ट्रक्शन की कैपेसिटी रखेंगे. जैसे मान लीजिए आप किसी केमिकल को मॉडिफाई करके, किसी केमिकल को मॉडिफाई करके क्या आप आरडीएक्स बना सकते हो, विच इज गोइंग टू मेक अ बॉम्ब विच इज वेरी डिस्ट्रक्टिव. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस. से यस मैम. अरुणा, श्रिया, सुची, पंचमी, अदिति, प्रियांशु, एवरीबडी टेल मी. सो द प्रोटीन्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इफ यू मेक इट स्पेसिफिक, दैट मीन्स द राइबोसोम्स ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दीज प्रोटीन्स इफ आई एम मॉडिफाइड विद द हेल्प ऑफ गॉल्जी अपैरेटस, आई एम एबल टू मेक वेरी स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स. एवरीबडी इंग्लिश एंड हिंदी, राइट? थैंक्स बाइजूम. एंड देन वुड दे बी एबल टू डिस्ट्रॉय? इफ द एंजाइम इज कॉल्ड लाइएज, इट इज गोइंग टू कॉज डिस्ट्रक्शन. If the enzyme is called proteinase, it's going to destroy proteins. If the enzyme is called lipase, it's going to destroy lipids. Right? So these are the very, very strong destructive enzymes, just like RDX. They have the potential, they have the capability to destroy. These strong enzymes. Now, I also want to tell you, now suppose, unfortunately, if I have bomb on my body. So suppose if this is me and if I unfortunately have a bomb on my body, doesn't look like me, oh my God, but anyways, if you have bomb on the body, if you blow this bomb, would you be able to blow yourself as well? You've seen it in movies in so many times. Similarly, if it is a cell, right? If this is a cell and this is the structure which has the destructive enzymes, that structure which has the destructive enzymes is manufactured by the Golgi apparatus. My lovely children, kisne banaya wo? Who is the one who made it? Who is the one who made it? Aditi, who is the one who made it? Please don't ask questions in the chat. I'm only focused on teaching, right? Please make sure that you are asking me questions in the comment section, right? Who is making it? The Golgi apparatus. The Golgi apparatus is modifying it. The Golgi apparatus is making it. So these destructive enzymes by the Golgi apparatus, you're going to pack it into a specific structure called lysosome. I will tell you my Insta ID, Shambhavi. Chill, relax, study. You've not come here to take my Insta ID. I will talk to you. It is Vani Sood for Vedantu. Chill, pill. Relax. Parlo abhi. Done? Yes, everybody. Lysosome. And this has the ability to blow itself. Ye apne aap ko uda dega. Agar isne apne aap ko uda diya, to cell jo hai wo destroy ho jayega. That is referred to as the suicide bag. It has the ability to destroy its own cell. Did you understand, everybody? Right, let's come to lysosomes. Lysosomes are produced by the Golgi apparatus. MCQ question number one. The destructive enzymes are called hydrolytic. MCQ question number two. They can digest a lot of macromolecules. They have digestive, powerful enzymes. Very strong. They can destroy. It's very, very acidic. Agar aapke haath pe, I'll tell you one more story, right? It's a very interesting story. Listen to it. Very interesting story. So I was in class 11th. And I bought myself a pair of denims. Now, aisa hota tha, dekho, paise to zyada hote nahi the. Mom, dad ko aise to nahi bol sakte, roj jeans khareedo. 3-4-5 mahine mein ek jeans milti thi. Yes or no? Saal mein 2-3 jeans khareedte the. Yes or no? I to come from a family, aisa nahi ghar mein 50 jeans hai. Shopping kar rahe hai, makeup ka saman khareed rahe. Can you imagine? I bought my first kajal in college. I went to college and bought myself kajal. I did not know. So, jab pehli baar main Aishwarya Rai ko dekha aur aankhon ke niche kala kala tha, that was kajal and mascara. तो मेरे को ये लगा, आई सेड यार, आई वेंट टू द मिरर एंड आई सॉ माय आईज लाइक दिस. आई सेड मेरी आंखें तो नीचे से व्हाइट है,
how come her eyes are black in color? And I was so surprised. I said, I was like, oh my God, she's very pretty. That is why she's become Miss World. I was in 7th and 8th class. It's so naive. You know, you're so naive. I'm like, that is why she's become Miss World, because she's got a black line. She's got very pretty eyes. You're so naive. You don't know, right, everybody? And I bought my first kajal when I had gone to college. So that is how it was, right? So when I was in 10th or 11th, I bought myself a pair of jeans, my mother. And you know, that time these embroidery denims had come. So I bought myself this pair of embroidery denims. And we could wear 11th and 12th once a week. We could wear whatever we wanted to and go to college. Like whatever you wanted, you could wear it and go to the college once a week. And that day was a chemistry practical. And I wore this. And I spilled H2SO4 on this. By the time I came home, there are three big holes on my jeans. And I still remember this pair of jeans was for some, I think, 700 or 1,000 rupees or something. And it was very expensive at those times. And I really liked it. Really liked it. And I'd really told my mother, I want this pair of jeans. Please get me this pair of jeans. It was very expensive for me. And first day I wore it. And you know, butterfingers, I'm so good. And I spilled H2SO4 on it, doing some titration experiment. I still remember it. Yes, and it had three big holes. And I felt as if my heart is breaking. Right? I thought mere taan ko kuch ho jata, mere haath ke upar sulfuric acid gir jata. Why did you have to spoil my jeans? And I was so good, I tried to stitch it. And you know what I finally... In our times, let me be very honest with you, those stickers used to come. How many of you have put those stickers on your clothes? I'm still thinking, I got the, have you put those stickers? Jo phat jata hai, you put those stickers. I got the, I got these three stickers. And I put those, you know, those cloth stickers, some cartoon cloth stickers. And you stitch them. Yes? So I will. Yes, 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 Priyanshu. So this is what happened. So similar is the case with lysosome. It is very acidic. It can really destroy. Acidic, say I went back to memory lane. I got those stickers and I put them on my pants. Right? They're digestive. They're very acidic. They will hydrolyze. Hydrolyze means they will destroy. Like how that sulfuric acid destroyed my genes. Yes. And they will destroy fats through lipase, they will destroy proteins through protease, they will destroy polysaccharides, they will destroy nuclease, they will destroy everything. There will be amylase, there will be everything present to destroy it. That is why you need them. Sometimes you digest some unwanted substance, you need to destroy it. That is how you will destroy it. So what are the functions of lysosomes? Digestion of large molecules. Aapne kuch unwanted ko eat kar liya, kuch unwanted ko digest kar liya, kuch unwanted substance inside the cell. Can there be an unwanted substance inside the cell? Yes, absolutely. So this unwanted substance which has come inside the cell, you need to digest it. Right? Sometimes some waste material has come. Now you tell me if sometimes you've not liked the food that your body you've eaten. You've eaten, but the moment you're eating, you're feeling that it's not good. Do you go back home and vomit? Sometimes while traveling, while going back home, will you get a vomiting? Yes, you will get a vomiting. So whatever are the cellular resources, you need to, you know, sometimes you need to destroy them so that you are able to get back the material. So you have lysosomes, you have food vacuole, you should be able to digest. You should be able to digest the food. Are you getting my point? Right? Now, some of you might ask, see, you have phagocytosis, you're not understanding. This is waste outside. This is waste outside. This is the cell. You can, once you take it, which is called endocytosis. It is inside now. Waste is inside the cell. This is the cell. You can either throw it out again, which is again called exocytosis, or
This is the lysosome. Did you understand? The lysosome has acid. So you will attack it and try to digest it. Did you understand? I will come to peroxisomes, Divyanshi, Elawat. I will come to all of that. Please don't worry. You will try to digest it. Now, two things can happen. This is very important. Two things happen. I will come to all of this, but you have to give me time. It's going to be a slow and steady process. It cannot happen quickly. Either you will be able to, this is the waste material. This is the lysosome, which has these acids. Either scenario number one, you will be able to digest it. Scenario number two, you can't digest it. That can also happen. How many of you have used a mixer grinder at home to help your mother? How many of you have used a mixer grinder at home to help your mother? Please tell me. So sometimes I want to make chutney or something. This is the mixer grinder that I have at home. Right. So this is it. And this is the mixer grinder power switch. So I've added coconut and everything. If it is not grinding, what do? You open it and add water? Do you open it and add water? Please tell me yes or no. If it's not working, would you open it and add water? Say yes or say no. Please, for me, say that. Would you add water? Would you add water so that it dissolves? Because so many times, that is like, you know, sometimes if you're doing it, it will become hot also. You will have to add water. So sometimes that doesn't mean it's very good company. Let us say it is Philips, excellent company, but still it is not digesting because sometimes it will not be able to do. So you will have to add water. Similarly, sometimes you can't digest it. The waste material is very hard. The waste material has a thick coat. There can be so many reasons. If you can't digest it, this thing, you know, this lysosome and waste material together, you're going to call it secondary vacuole. Nobody knew it. Thanks, Neha. Teach me secondary vacuole. You can't digest it. Now, when you can't digest it, let me tell you a beautiful story of the Indian Army. And I always tell you the story. This, please make it viral. Please make it viral. Suppose this is Kargil. And this is India. And there is Indian Army here. And let us say the Indian Army, there are 10 people. Right? And there are these people who have entered our country. Let us call them terrorists. There are 50 of them. These terrorists are at a height. These people are at a low position. And that is why they are continuously firing. And not only are they firing, they are advancing. You can read the story of Colonel Sonam Wangchuk. It is there on the internet. Right? You can read the story of Colonel Sonam Wangchuk. And this is a real story, right? This, please make it viral. Now, this Indian Army people, they call the base. They call their base. What do they tell? They say, listen, our ammunition is getting over. Our ammunition is getting over. We are only 10 versus 50. We will soon die. And there's a big gun here, like a missile gun. It's like a big missile rocket. You please fire here. Fire here. Please fire. These people tell them, see, if I fire, you will also die. They say, no worries. You please fire. They give their lat long. That's called coordinates. He said, I will give you our coordinates. You fire on our position. You fire on our position. This is our position. You fire on our position. But these people tell them, see, you will also die. Lakshya also, it happens. They're like, no worries, you please fire on our position. All 10 of them, that's called take cover. So they tell them, let's take cover. All 10 of them survive to tell the story. Yes. And they get fire on their own area. Is that clear?
Is that clear? There's a word for such a thing, which I don't want to tell you now. I'll tell you some other time. So this is the lysosome. That means it's that area. This is the foreign substance, the same people who have entered our country. Lysosome tries to fight with them. That means India tries to fight. But if it becomes weak because it is less in number or something, the lysosome will blow itself. What will the lysosome do? It will blow itself. So suppose this is that enzyme, it will blow itself. That is called the suicide pad. Like this is called code red. When you call for fire on yourself in military language, when you ask for fire, because there is no other way out, it is referred to as code red. So it's a code red, code red, code red. So if you give, let's say 99.97 latitude, this much longitude, code red, code red, code red, that will mean you put fire on my latitude and longitude. So that, because the enemy is close. So when the enemy and you are close to each other, you can call for fire on your own self. You will die, but the enemy will also die. This is called as code red. So suicide bag is code red. The lysosome will also die, but the foreign substance will also die. Did you understand? And this is how your body makes pus. Did you understand? AFMC vibes. Let's make it viral and let's call it AFMC vibes. Did you understand, everybody? When you destroy yourself, when you make pus, जब आप खुद को भी destroy कर देते हो, तो medical terms में ऐसी चीज को apoptosis कहा जाता है. What do we call it in medical terms? Yes, yeah, that's my favorite. ऐसी terms को apoptosis कहा जाता है, right? Cell death. क्या कहा जाता है? Cell. Now I did my graduation from Dharwad, so वहाँ का एक धारवाड पेड़ा, ठाकुर पेड़ा बहुत famous है. तो जिया बोल रहे हो आपने खाया है? Yes. So that's how you destroy. So मैंने आपको primary vacuole जो पहले बनेगा, secondary vacuole बता दिया, और आपको मैंने code red suicide bag बता दिया. Let's come to vacuoles, very important. Vacuole sacs होते हैं आपकी body में, vesicles से थोड़े बड़े होते हैं, ये store material करते हैं. राइट, जैसे ये रेजिन स्टोर कर लेंगे, सैप स्टोर कर लेंगे, कोई लिक्विड स्टोर कर लेंगे. बहुत जल्दी बड़ा स्क्रीन आ रहा है, टेंशन मत लो. ये प्लांट सेल में बीचों बीच और बड़े होंगे, एनिमल सेल में ये छोटे से और कोने में होंगे. राइट, एनिमल्स हैव वन और मोर स्मॉल वैक्यूल्स, दे आर सेंट्रल एंड लार्ज इन प्लांट सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट. इज दैट क्लियर एवरीबडी? प्लांट सेल्स में बीच में होंगे, बिकॉज प्लांट सेल्स में इनको, आप सबको पस हुआ है कभी? You know that pus thing in the last one, that white liquid which comes, right? So that is nothing but your very, very important part. Wo kuch nahi hai, wo aapka suicide bag hai. Understood? Chaliye. Vacuoles in plants. Plant cells typically have a central vacuole, MCQ. They use up to 90% volume of some cells. Cells ka pura beech mein vacuole hai. जो मेम्ब्रेन सराउंड कर रही है वैक्यूल को, उसका नाम होता है टोनोप्लास्ट. इस मेम्ब्रेन में चैनल्स होते हैं, राइट, जिसकी वजह से सब्सटेंस इन और बाहर आएगा. ये टोनिसिटी और ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करके रखते. क्या मेंटेन करके रखते हैं? टोनिसिटी और ऑस्मोटिक बैलेंस. मतलब ये सेल है, अगर ये ऐसा है तो ये बहुत टर्जिड है, पूरा फूला हुआ है, और अगर ऐसा है तो पिचका हुआ सेल है. राइट, इसकी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं हम? टोनोप्लास्ट. क्या कहेंगे बच्चों? टोनोप्लास्ट. चलिए, तो वैक्यूल्स का फंक्शन क्या है? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ वैक्यूल्स? नेक्स्ट 2-3 मिनट्स में मैं आपको होमवर्क का क्वेश्चन दे रही हूं. आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है मुझे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आप भूल ही गए. यस, मैंने आपसे कुछ चीज पूछनी है और बतानी है. स्टोरेज ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स, पिगमेंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, टर्गर प्रेशर, मतलब इसको स्टिफ करके रखते हैं. फ्लावर में जो कलर होता है, पिगमेंट्स होते हैं फ्लावर में, वो कलर वो किस में होता है? वैक्यूल्स.
राइट, जो पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, कई बार इनमें पॉइजन भी होता है। कई कई प्लांट्स बहुत बिटर होते हैं, कड़वे, हल्का सा खाया एकदम कड़वे, वो सामान भी वैक्यूल्स में होता है ताकि हर्बीवोर्स इनको ग्रेज ना करें। निकोटीन जो बिटर जो स्मोक में होगा, कैफीन, आप कभी भी किसी गाय को टी प्लांटेशन में नहीं देखोगे, गाय नहीं खाएगी टी बिकॉज बिटर होती है, कड़वी होती है चाय पत्ती का पत्ता, राइट। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स ये सब वैक्यूल में होते हैं, वैक्यूल ही बिटर होगा, वैक्यूल ही बहुत ज़्यादा हो सकता है टॉक्सिक हो, ये सारी चीज़ें वैक्यूल में होती हैं। जब भी आपने किसी खाने को इनगल्फ किया तो वो बन गया आपका फूड वैक्यूल, पानी को इनगल्फ किया कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। यस, प्रोटिस्टा में होता है, प्लांट्स में तो नहीं होता, प्रोटिस्टा में होता है, वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है। किसको मेंटेन करता है? वाटर बैलेंस। मेंटी आ रहे चुन्नू, चुन्नू है ना, लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट, अमाइलेज, एसिडिक पीएच, मैंने आपको पीएच का पूरा बता दिया, राइट। वैक्यूल्स बताए, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स अमीबा में होते हैं, प्रोटिस्टा में होते हैं, फूड वैक्यूल्स होते हैं प्रोटिस्ट में, राइट। और वैक्यूल्स क्या है? 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेल इन प्लांट सेल्स, इनकी मेम्ब्रेन को कहते हैं टर्नोप्लास्ट, ये टर्जिडिटी मेंटेन करवाती है। डन। लास्ट थिंग, राइबोसोम्स आपकी प्रोटीन फैक्ट्रीज है, मैंने आपको पिछली क्लास में डिटेल में बताया है। हाय मिशेल, दे वर डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट कॉल्ड जॉर्ज फैलाडे इन द ईयर 1953। राइबोसोम्स दो चीजों के बने हैं, व्हाट आर द टू थिंग्स? RNA एंड प्रोटीन, RP। कितनी चीजों का बना है राइबोसोम्स? टू थिंग्स, RNA एंड प्रोटीन। Is that clear? They help in the synthesis in the cell. They are called the protein factories. They help in the synthesis of proteins. They are the protein factories. They manufacture proteins. I will talk to you about it in a lot of detail. Ribosomes kis pe lagenge? Endoplasmic reticulum. Agar endoplasmic reticulum pe lag gaye, rough. Agar nahi lage, smooth. Aur rough endoplasmic reticulum kya karega? Protein synthesis. Agar ispe bahut sare ribosome lag gaye, what is it called? I told you in the last class. बहुत सारे पॉलीराइबोसोम्स, मेनी ऑफ देम, मेनी पॉलीराइबोसोम्स। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड एवरीबडी? राइबोसोम की दो सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट एंड द स्मॉल सब यूनिट, राइट। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं 70s, लास्ट क्लास में बताया था। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं S word is for Swedberg coefficient. बताया था last class में। सबसे पहले आज का homework लिखो, इससे पहले कि मैं mentee पे जाऊं। जो भी बच्चा homework में अच्छा करेगा, उस बच्चे को directly मेरा call जाएगा और 5 minutes का mentorship session provide होगा। उस बच्चे का नाम कल मैं class में add करूंगी। So, आज का होमवर्क बहुत ज्यादा सिंपल है, इसका आंसर मुझे मेन कमेंट सेक्शन में करना है। इज दैट क्लियर? आपका मुझे मेन कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए। लाइसोसोम को किसने डिस्कवर किया था, इसका अदर नेम क्या है, और सबसे बिग साइज का लाइसोसोम कहां पाया जाता है? हु डिस्कवर लाइसोसोम, व्हाट इज द अदर नेम फॉर लाइसोसोम, एंड व्हिच इज द साइज, बिगेस्ट साइज ऑफ लाइसोसोम? आई वांट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ए बी सी क्वेश्चंस करके मुझे 3 आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए, आज के आज, अभी के अभी। इज दैट क्लियर? अब मैं आने वाली हूं मेंटी पे। बेटा मैं अपना माइक्रो कोर्स लॉन्च कर रही हूं, विच इज द बिगेस्ट न्यूज, जिसको मैं बता रही थी, माई 3D सुपर स्पेशल माइक्रो कोर्स फॉर ऑल माई क्लास 11th एंड 12th स्टूडेंट्स। स्टार्टिंग फ्रॉम थर्सडे यू विल गेट ऑल माई क्लासेस, वो भी 3D स्पेशल माइक्रो कोर्स ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी ऑफ सेल विद कंप्लीट 3D लेक्चर्स। मेक श्योर यू डोंट मिस इट। तो आपके माई कोर्सेज में, माई सेशंस में वानी मैम के लेक्चर्स मिल जाएंगे। गो टू योर माई कोर्सेज एंड यू विल बी एबल टू सी दैट। Is that clear? But ये देखो बेटा, ये उन बच्चों के हाल हैं जो अभी प्रो मेंबरशिप ज्वाइन कर रहे हैं, राइट। एंड दे सेइंग मैम आपने बोला ज्वाइन कर लिया, बायो तो हमारी फिर भी ठीक है, 60 फिजिक्स केमिस्ट्री का हाल देख रहे हो इधर। डोंट मिस दिस गाइज, मैं आपको बार बार एक चीज कहती हूँ, और अब तो आपके पास वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस है।
You have a promise where we promise to return your money back, entire year money back. If you don't have any progress, if you cannot be guaranteed a progress, we promise to return your money back. Trust me on this. This is one of the most amazing promises ever. Because now you don't have to go out of the house. You don't have to think that the coaching institute will be closed. You don't have to think that the teacher exchange will be exchanged. You have teachers, ka class teachers, ka student account mentors, ka personal teachers, ka test, ka ek bahut achha platform hai, which has the ability to give you money back if you don't have performance. Right? So see how my classes are done. Everything is taught. हर थोड़ी स्लाइड के बाद एक डाउट विंडो आती है. डाउट विंडो के बाद एक क्विज सेशन पूछा जाता है. कितने सारे आपको क्विजेस कराए जाते हैं, राइट? फिर कोई सॉल्विंग टाइप के क्वेश्चंस करवाती हूँ मैं. फिर उसके बाद दोबारा थियोरी कराती हूँ. थियोरी के बीच बीच में हैंडमेड माइंड मैप्स बनाती हूँ. एक एक चीज आपको डिस्कस करती हूँ, राइट? टेलीग्राम पे या कहीं पे डाउट्स आपके लेती हूँ. इज दैट क्लियर? फिर आपके डाउट्स क्लास में लिए जाते हैं. ऑल ऑफ दिस इज डन इन द रेगुलर सेशंस. यू शुड जस्ट नॉट मिस इट, राइट? ये सारे आपको मेरे सेशंस मिल जाएंगे. देखो पिछले हफ्ते के सारे सेशंस हैं यहाँ पे. आपको नोट्स मिल जाएंगे. यू विल गेट ऑल माय सेशंस. तो यहाँ पर जाकर आपको सेशंस मिलेंगे. एंड लाइक दिस द सेशंस आर गोइंग टू बी ऑन वेयर यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, यू कैन आस्क मी योर डाउट्स, यू कैन स्टडी, यू कैन लर्न. तो व्हाट यू हैव टू डू इज डोंट मिस द प्रो मेंबरशिप, बिकॉज जो बच्चे इस हफ्ते रजिस्टर कराएंगे वही फिर वो मेरा कोर्स स्टार्ट हो जाएगा. फिर शायद आपको ये प्रो मेंबरशिप का फायदा नहीं मिले. सो यहाँ जाइए, राइट, एंड अप्लाई. चूज योर प्लान. What is your plan? VD Pro code apply कीजिए. बोलिए I just want to try for 1 month. That's all. I just want to पहले don't buy the entire course. At least try for 1 month. You will love it. आपके 10% fees वापस हो जाएगी with the code VD Pro and you would be able to join. And if you join using VD Pro, then you get my micro courses. So please don't get confused with the code. आ जाइए menti.com पे जहां आज की क्लास का मेंटी करेंगे. आई विल बी वेटिंग फॉर दोज ऑफ यू कि यार मैंने अपना डिटेल में पूरे का पूरा लिखा हुआ है, अच्छे से पूरा मैंने पढ़ लिया है, आज मैं पढ़कर आऊंगी और कल फिर वो वाला क्विज लूंगी. तो menti.com पे चले जाइए. 8423761. यू नो सबसे ज्यादा डर एक चीज का होता है बच्चों को. किस चीज का डर होता है यार? हमारा फीस ना चला जाए. हमारी फीस चली गई तो क्या करेंगे? तो वो फियर लेना ही नहीं है. अच्छा आपको एक और चीज बताती हूँ, जब तक आप कोड ज्वाइन कर रहे हो 8423761. आई एम सो प्राउड ऑफ वेदांतु. मैं आपको क्या बताऊं बच्चों, वेदांतु ने पता है क्या किया है? वेदांतु ने एक नो कॉस्ट ईएमआई शुरू किया है. क्या आपको पता है उस बारे में? वेदांतु ने एक नो कॉस्ट ईएमआई शुरू किया है, राइट? आपने हर्ष सर को देखा होगा, अभिषेक सर को देखा होगा कितनी बार. एंड गाइस अब तो आपको पता है दैट यू नो आप लोग 10th से आ रहे हो, सो मेनी ऑफ यू. तो आपने जब ये ज्वाइन किया, यू विल ज्वाइन इट. आपको मान लीजिए कंप्लीट कोर्स भी लेना है, आपको हमेशा ऑप्शन मिलता है नो कॉस्ट. ये देखिए नो कॉस्ट ईएमआई. कैन यू सी दिस? आप इस पे क्लिक अगर करते हैं तो आप ये सारे आपके बैंक से, यू टेल योर पेरेंट्स यू रियली डोंट हैव टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा. और मेरे हिसाब से 3 या 4 चीजें होती हैं बेटा. आपके डाउट सॉल्व हो रहे हैं, आपके रोज टेस्ट हो रहे हैं. आपको पता है आप लेक्चर के बाद जब रीप्ले देखते हो, यूट्यूब में डिफरेंस क्या है, लेक्चर के बाद जब रीप्ले देखते हो ना, तो उस रीप्ले को अगर आप ट्राई अल्टरनेट रीप्ले करोगे तो आपके क्विज चल जाएंगे. आप लीडर बोर्ड्स पे परफॉर्म कर सकते हो. आपके माइक्रो कोर्सेज तो अनलिमिटेड हैं. मतलब वानी मैम के अभी हर हफ्ते 3 माइक्रो कोर्स, 2 माइक्रो कोर्स आएंगे. ऑल ऑफ दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री. ये सारे आपके माइक्रो कोर्स है. ये 49, कोई 39, कोई 29, कोई 2000, कोई 18000, कोई 20000, बट यू विल गेट एवरीथिंग फ्री. 30 आवर्स के कोर्स, 5000 के कोर्स, यू विल गेट ऑल ऑफ दैट फ्री, एब्सोल्युटली फ्री. सो डोंट मिस दैट, राइट? चलिए menti.com स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. आज की क्लास है, ज्वाइन कर लीजिए. प्लीज गो टू menti.com. 8423761. स्पीड अप. 8423761. ज्वाइन करें. 8423761. Question number 1. Golgi body originates from. Lysosome, endoplasmic reticulum, mitochondria. बताइए बताइए बताइए.
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी बॉडी. वेरी नाइस. चलिए अगले सवाल पे, सेकंड क्वेश्चन. The chemical substance found in most abundantly on the middle lamella released into the phragmoplast by phragmoplast is a space middle lamella cal. कौन मॉडिफाई करता है? कैल्शियम पेक्टेट, मैग्नीशियम पेक्टेट, कौन मॉडिफाई करता है? हु मॉडिफाइज? मेरे बच्चों सीखो. स्पिंडल तो मैंने कराया नहीं क्योंकि मैंने सेल डिवीजन ही नहीं कराया अभी तक. यस, हार नहीं माननी. बोलो, लिखो मुझे चैट सेक्शन में. एक भी क्लास में बीच में यू नो मेंटी क्विज चल रहा होगा, मेरे बच्चे हार नहीं मानेंगे. यस एवरीबडी, हार नहीं माननी है. विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली स्टोर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम. जितने भी बच्चों को वानी मैम के माइक्रो कोर्सेज चाहिए, आई एम स्पेशली स्टार्टिंग सेल के 3D माइक्रो कोर्सेज. यू नीड टू एटलीस्ट बाय दैट 1 month प्रो मेंबरशिप ताकि आप मेरे सारे पुराने और नए माइक्रो कोर्सेज ले सको मेरे बच्चों. चलिए होमवर्क को कल मैं डिस्कस करूंगी, सारे बच्चे करके आएंगे होमवर्क को. प्लीज चलिए, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, लाइसोसोम. वेल, दैट मींस आप समझ चुके हैं. वेल डन. फोर्थ, और प्रो मेंबरशिप में बहुत फायदा है बेटा, बहुत फायदा है. आप एक 2700 का प्रो मेंबरशिप लेके कम से कम 50,000 के माइक्रो कोर्स देख लो यार, क्योंकि मुझे पता है आपके मन में कैसी बीतती है. अपने मॉम डैड का बहुत फिकर होता है, तो बच्चों आप अपना फायदा उठाओ ना, एक बार प्रो लो और 25-25 30-30 माइक्रो कोर्स देख डालो. सिर्फ प्रो की क्लासेस मत लगाओ, सारा दिन बैठ के पढ़ो. सेल वैक्यूल में क्या नहीं होता? वैक्यूल में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, लेटेक्स, रेजिन, डीएनए, एंथोसाइनिन, टॉक्सिन्स हो सकती हैं, हो सकता है कैफीन हो, कोई एंजाइम्स हो, कोई टॉक्सिन्स हो जो मुंह को जलाए. बेटा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हो सकती हैं, कोई टॉक्सिन्स हो सकती हैं, बट उसमें डीएनए कमी नहीं होगा. डीएनए तो न्यूक्लियस में होगा. अपने मॉम डैड का बिल्कुल पैसा वेस्ट मत करो. 2700 रुपए का प्रो लेकर 27,000 के माइक्रो कोर्स देखो. समझ में आ रहे? लल्लू मत बनो. जितने भी बच्चे आज प्रो लेंगे, जो भी मेरे माइक्रो कोर्सेज से स्टार्ट होंगे, ये देखो, ये सारे कोर्सेज ले लो. रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म ये देख लो, इनको डाउनलोड कर लो. राइट, आपके पास, आप 11th के माइक्रो कोर्सेज पे आओ इधर. आप अपना प्लीज मॉम डैड का फायदा कराओ. फिजिक्स केमिस्ट्री के माइक्रो कोर्स भी दिखाती हूँ मैं आपको. तो ये नहीं कि सिर्फ एक लल्लू बन गए, प्रो प्रो कर रहे हैं बैठ के, जब वेदांत आपको इतनी फैसिलिटी दे रहा है कि आप एक प्रो मेंबरशिप के साथ हजारों माइक्रो कोर्स लगा सकते हो. डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, 1D मोशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एनसीईआरटी वाला, वेक्टर्स, कितनी प्रॉब्लम आती है. एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी देखो, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, सेल, ये सारे फ्री हैं आपके लिए. स्ट्रक्चर ऑफ एटम और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, फिजिकल वर्ल्ड, एनसीईआरटी वाला, सेल साइकिल, बेसिक मैथमेटिक्स कर लो यार. ये बेसिक मैथमेटिक्स का कोर्स, फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे. ये सारे अपकमिंग है, लाइव कोर्सेज हैं. ये देख लो, इनको देखो. यस, एक बार दे रहे हो, डेफिनेटली आप प्रो अगस्त में दे सकते हो बेटा, तब दूसरे कोर्सेज होंगे. राइट, हो सकते हैं मेरे माइक्रो कोर्स हो ना हो, तो एक बार प्रो लेकर ये सारे माइक्रो कोर्सेज जाके ज्वाइन कर लो, सारा दिन बैठ के देखा करो. इज दैट क्लियर एवरीबडी? चलिए आइए. ये नहीं एक प्रो लिया सिर्फ और मॉम डैड के पैसे वेस्ट कर दिए मेरे चुन्नू मुन्नूज ने. हजारों माइक्रो कोर्स लो, उसके साथ पूरा यूज करो. कंपार्टमेंटलाइज कहां कर देते हैं हम? सारी की सारी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को क्लोरोप्लास्ट में डाल देते हैं, लाइसोसोम में डाल देते हैं, सेंट्रल वैक्यूल में डाल देते हैं, पेरोक्सिसोम में डाल देते हैं. कहां डालते हैं बताओ? लाइसोसोम्स में डाल देते हैं चुन्नू मुन्नू गैंगस्टर्स.
आर ऑलवेज द बेस्ट इन द कंट्री. मेरे सच्चे अच्छे बच्चे, बहुत बढ़िया. आज का दो लीडर बोर्ड हो गए. सिंसी, विस्निता, विस्निया, श्रिया, मानसा, नवीन, देव, सैमी, बालजोबान, थान्या एंड रूपल. वेल डन सिंसी. सिंसी, आप भी मेरे से, यू कैन गेट इन टच विद मी ऑन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और समवेयर, मे बी इंस्टाग्राम, बिकॉज यू बीन टॉपिंग टू मेनी लीडर बोर्ड्स. आई मस्ट 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 कंग्रेचुलेट यू. यस, टेक केयर. होमवर्क जरूर करना है. वानी मैम के माइक्रो कोर्सेज के लिए, जो जो बच्चों के पास प्रो है वो मेरे माइक्रो कोर्सेज के लिए इनरोल कर ले जाके, ठीक है? यू नीड टू इनरोल फॉर माई माइक्रो कोर्सेज. आपको होमवर्क का आंसर जरूर देना है. और सबसे बड़ी बात तो सुन लो, वो तो मैंने एंड तक संभाल के रखी थी. अगला टॉपिक क्या करें? सेल डिविजन, बायो मॉलिक्यूल्स, डाइवर्सिटी, बता दो. इज दैट क्लियर एवरीबडी? वेरी नाइस लर्निंग मंत्रा. बताइए अगला टॉपिक क्या करें, कौन सा टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कराऊं? मेन कॉमन सेक्शन, डाइवर्सिटी कराऊं, सेल डिविजन कराऊं, बायो मॉलिक्यूल्स कराऊं? वेडनेसडे को आपका टेस्ट है. सी यू, बाय, टेक केयर. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बच्चों बाय, बच्चों बाय, बाय बच्चों बाय. Take care. Don't forget to like. Don't forget to share. Don't forget to subscribe. Don't forget to enroll for my super amazing micro course. Bye.